अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले के वीडियो में आपको जिनसे हकीकी और उसकी शनाख्त या तस्कर के फ़ायदे बताए गए थे, आप लोग मैं समझता हूँ कि समझ लिए भी होंगे उसको और उसकी तसलसल में आगे बढ़ते हुए। जैसा कि हमने बताया था कि जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी, जिनसे जिन्स की दो किस्में, जिनसे हकीकी और गैर हकीकी। जिनसे हकीकी में भी दो होते हैं मुदक्कर और मुअन्नस, उसी तरह से जिनसे गैर हकीकी में भी दो होते हैं मुदक्कर और मुअन्नस। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वो ये कि जिस तरह से हमने जिनसे हकीकी में मुदक्कर के मुकाबिल मुअन्नस, मुअन्नस के मुकाबिल मुदक्कर बनाया था, वो यहाँ पर उससे इस्तिस्ना है। जिनसे गैर हकीकी में वो बात नहीं होगी। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि यह जिनसे गैर हकीकी में यह मेज़ है, मेज क्या है, मुजक्कर है। अब इसके मुअन्नस बना सकते नहीं, ये मुमकिन कहाँ पर है, जिनसे हकीकी में मुमकिन है, क्योंकि नर और मादा उसमें होते हैं। यहाँ पर नर और मादा नहीं होते, हमारे पास इन चीज़ों से उसमें बनाएंगे जिनसे हकीकी और गैर हकीकी, हाँ मुजक्कर और मुअन्नस। हमारे पास जैसा कि इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर भी होता है, हमारे पास वो नहीं है। मैस्कुलिन फेमिनिन दो जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर नहीं है, तीसरा भी जेंडर इंग्लिश में है हमारे पास नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है जिनसे गैर हकीकी। जिनसे गैर हकीकी को हम शनाख्त करना है, पहचानना है और इस्तेमाल करते वक्त में, यानी जो गैर जानदार इस्म आए हैं उसको हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ हम लिखना चाह रहे या बोलना चाह रहे, जुमले कहना चाह रहे, उसमें बहुत से अल्फाज हमारे आते हैं जिसमें बेजान जिस्म भी होते हैं, हाँ बेजान इस्म भी होते हैं। तो उनके लिए ख्याल रखना पड़ता है कि वो मुदक्कर में है या मुअन्नस में है। उसकी पहचान के कोई खास कायदे नहीं है, कोई मखसूस कायदे नहीं है, मगर चंद यहाँ पर बताए जाते हैं एहतियात के तौर पर। आप समझिए और उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए, अपनी तहरीर में इस्तेमाल कीजिए, पढ़ने के दौरान में इस्तेमाल कीजिए और पढ़ने के दौरान में समझने की कोशिश कीजिए कि मुसनफ ने किस तरह से उसको बढ़ता है, किस तरह से इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे आइए आप यहाँ देखिए, तो कोई मखसूस कायदे नहीं है। जिस तरह से कि हम उसमें देखे थे चंद कायदे थे जिनसे ऐसे सही में यहाँ पर नहीं है, और मुदक्कर के मुकाबले मुअन्नस यहाँ पर नहीं होता। अभी बताया मैं आपको मिसाल देकर, अगर तख्ता है, तख्ते का अगर हम ये कहेंगे कि अरे इसकी मुअन्नस तख्ती हो सकता, नहीं हो सकता, मुअन्नस नहीं हो सकता, क्योंकि नर मादा का उसमें तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता वो मुदक्कर या मुअन्नस हो सकते हैं। तो आगे बढ़िए, पहचान के लिए कोई कायदे भी नहीं है, तो एक जरा सा यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्द, यानी कोशिशें की जा रही कि हम समझें कि कायदे तो नहीं है कि क्या होता है, फिर भी समझना है। इस तरह से बताया जा रही है, हमने समझने की कोशिश की। डब्बा, घड़ा, दरवाजा, चश्मा, बेजान चीज़ों के नाम हैं। यहाँ पर देखिए आप, अलीफ आया है, यहाँ पर भी अलीफ आया है, यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर भी ए आया है। उमूमन लफ्ज के आखिर में अलीफ या है हो, जानदार है, बेजान के आखिर में अलीफ या है हो, तो आमतौर पर मुसक्कर होता है। उसी तरह से ये दूसरा देखिए, लकड़ी, घड़ी, रोटी, यहाँ के आखिर में ई है, ई है, ई है, आमतौर पर अगर बेजान इसम के आखिर में अगर ई हो यानी लाए मारूफ हो तो वो उमूमन मुअन्नस होते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए तीसरा, औरत, नेमत, चौखट, बनावट, यहाँ पे ते ते टे टे, अगर ते और टे आखिर में हो तो ये हो जाते हैं मुअन्नस। जबान, बहुत सी जबानें हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, मराठी, कन्नड़ी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये तमाम जबानों के जो नाम हैं वो मुअन्नस होते हैं। ये क्यों हमको याद रखना है, क्यों समझना है, इसलिए कि हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं हमारे जुमलों के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो उस वक्त हमको ख्याल रखना होता है कि इसको मुअन्नस में इस्तेमाल किया जाए या मुदक्कर में इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो जुमला गलत हो जाता है। जैसा उर्दू मेरा जबान है बोल गया, मैं उर्दू मेरा मादरी जबान है बोल गया, जुमला गलत हो गया, मुझे पता नहीं है कि उर्दू क्या है, उर्दू मुअन्नस है,
तो तमाम जबानों के नाम मुअन्नस होते हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी बहुत मुश्किल जबान है इस तरह से, तो हमको वो याद रखने की जरूरत होती है, इसलिए जल बताया जा रहा है। फिर तमाम जबानों के नाम मुअन्नस होंगे, उसी तरह से तमाम दिनों के नाम, महीनों के नाम और मौसमों के नाम मुज़क्कर होंगे। और इसमें एक दिन छूट जाता है, जुमेरात। जुमेरात मुअन्नस होता है, जुमेरात मुअन्नस है दिनों में। तमाम दिनों महीनों के नाम मुज़क्कर हैं, मौसमों के नाम भी मुज़क्कर हैं, लेकिन सिवाय जुमेरात के। उसी तरह से तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, जितने भी पहाड़ों के नाम पढ़ेंगे या लिखने में आएंगे वो सबको मुज़क्कर में इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं, आप समझ रहे होंगे, देख लीजिए, हाँ कोशिश कीजिए और फिर बाद में इसको रिपीट करके भी देख लीजिए। तमाम सैयारों और सितारों के नाम मुज़क्कर हैं, सैयारों के नाम, सितारों के नाम, जितने भी आसमान में कहकशां हैं उसमें जो सितारे सैयारे हैं वो तमाम के तमाम नाम क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। और इसमें जमीन मुअन्नस, उसी तरह से सैयार चाहे चांद, ये भी मुअन्नस है। फिर आगे बढ़ेंगे और तमाम धातुओं के नाम और कीमती पत्थरों के नाम, जैसा हीरा है, धातु सोना है, ये तमाम नाम प्लैटिनम है, तमाम धातुओं के और कीमती पत्थरों के नाम, यानी जमरूद है, ये सब के नाम मुज़क्कर होते हैं, मगर इसमें चांदी यदि धातु है ये मुअन्नस है। समझिए, आप समझ रहे ना, समझिए, हाँ देख लिया अभी आप, आगे बढ़ते हैं। अरे तमाम धातुओं और तमाम कीमती पत्थरों के नाम, जमरूद है आपके और बहुत से नाम आते हैं, हीरा है, ये सब के सब मुज़क्कर है, इसमें धातु में सिर्फ चांदी मुअन्नस है। तांबा मुज़क्कर है, पीतल मुज़क्कर है, और नवे पे देखिए आगे बढ़िए, समझिए बच्चों, लड़कपन बचपन बांकपन, ये हासिया मजदा से बंधे, लड़कपन पेनून पेनून पेनून, ये हासिया मजदर में अगर पेनून आ जाए तो ये होते हैं मुज़क्कर। पेनून आ जाए आखिर में, जो हासिया मजदर हो वो होते हैं मुज़क्कर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, मैंने रास्ता में वहाँ पर लिख दिया था, लेकिन मैंने यहाँ देखिए हिंदुस्तान, कोहिस्तान, रोशनदान, अरे अगर दान आ जाए आखिर में और स्थान आ जाए आखिर में, पाकिस्तान भी हो सकता है, हाँ तो क्या होता है, वो मुज़क्कर होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दान और स्थान आखिर में आ जाए तो ये मुज़क्कर होते हैं, वैसे पन आ जाए तो ये भी मुज़क्कर होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर टोपी छुरी पैली, आखिर में क्या आ रहा, याय मारूफ आ रहा, याय मारूफ आए तो ये आखिर में अगर याय मारूफ हो तो वो मुअन्नस कहलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए राख ये है, यहाँ पर देखिए दरगाह में भी आखिर में है, ईदगाह में भी आखिर में है, ये मुअन्नस क्या होते हैं, ये जगह में भी है, ये मुअन्नस होते हैं। ये चंद कायदे तो नहीं कह सकते इसको, चंद शनाख्त के दराए हैं, चंद शनाख्त के दराए के मानने से हम मुज़क्कर है पहचान के लिए, चंद ट्रिक्स समझिए या कुछ और समझिए, ये चीज़ें हैं, हाँ तो इस तरह से ये मुअन्नस है। उसी तरह से कीमिया, दुनिया, पुड़िया, छालिया, ये क्या आखिर में, ये अली पारा, ये अली पारा, ये अली पारा, तो या अली आ जाए तो ये भी मुअन्नस होते हैं, आखिर में या अली आ जाए तो ये भी मुअन्नस होते हैं। और इसके बाद देखिए शिकायत, रात, मौत, छत, रुखसत, आखिर में क्या है, तेते हैं, सबकी में तेते हैं, ऐसे अल्फाज तेते हैं आखिर में, और ये मुअन्नस होते हैं। थोड़े पहचान करने के लिए थोड़े ट्रिक्स या थोड़े कायदे तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कायदा उनका पूरा उसका हमेशा वही
इस्तेमाल होना दोस्तों फायदा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी बदल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यह फायदे हैं इसके। हाँ अलबत्ता पहचान करने के चंद जराए हैं, पहचान करने के चंद ट्रिक्स है, पहचान करने के चंद हमारे जहन की उपजे हैं, या पहचान करने के लिए हम एक तरीके को अपना है चलता रहते हो। हाँ ठीक है, तो ये मानना से अब इस तरह से ये आखिर देखिए बुलबुल गेंद माला नखा ये मुदक्कर भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं। उर्दू जबान में अगर बाल अल्फाज ऐसे हैं जो कभी मुदक्कर में इस्तेमाल होते हैं, कभी मुअन्नस में इस्तेमाल होते हैं। तो अवकात आप ये देखे होंगे कि जैसा कि आपके यहाँ पर एग्जाम्पल है पहाड़ पहाड़ी, घंटा घंटी, जूता जूती। अरे क्या इसके मुअन्नस हैं? अरे मतलब पहाड़ की मुअन्नस पहाड़ी है यानी मादा है नहीं, बल्कि छोटा बड़ा जाहिर करने के लिए, किसी को छोटा किसी को बड़ा जाहिर करने के लिए एक का इस्तेमाल करके उसको मुअन्नस की शक्ल में बताया जाता, मगर वो क्या है सिर्फ छोटा और बड़ा के पहचान के लिए, छोटा बड़ा बताने के लिए। अगर पहाड़ बड़ा है तो पहाड़ बोलते, छोटी है तो उसको पहाड़ी कहा जाता, उसी तरह से बड़ा है तो घंटा, छोटी है तो घंटी कहा जाता, उसी तरह से बड़ा जूता है, बड़ा है तो जूता और छोटी है तो जूती कहा जाता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मादा है, ये उसकी मादा है ऐसी बात नहीं है, उसकी मुअन्नस है ऐसी बात नहीं है। तो ये चंद जो जो ट्रिक्स थे, चंद आपके पहचान के ज़राए थे, और इस बात जहन में रखिए कि कोई मखसूस फायदे उसके अंदर नहीं है। तस्वीर व तानिस के ये थी जिनसे गैर हकीकी तस्वीर व तानिस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस की शिनाख्त की पहचानना उसको कैसे। ठीक है, फिर आइंदा वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।